قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار الكرام يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع أمري قوم دنياوي زندگي محض چند روزا وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ اور اصل ٹھہرن دی جگہ او آخرت واجب الاحترام سامعین محترم اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے جس مقام زی شان نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے اے مقام عالی شان اللہ مالک الالام ذل جلال والاکرام دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دا 24واں پارہ سپارے دا رکوع 10واں سورت دا نام سورہ مومن سورت دا رکوع 5واں ہمیشہ تو تمام انسان زمین تے بسنے والے علیحدہ علیحدہ قسمت اور نصیب پا کے آندے نے کسے کول اگر دولت دی ریل پے لے تو کوئی ایسا او دو ڈنگ دی روٹی تو مجبور اور معذور ہے اگر کوئی ایسا کہ ساری زندگی اونوں سر پیڑ بھی نہیں ہوئی تے کوئی ایسا بھی ہے وہ ساری زندگی منجی تو ہی نہیں اٹھ سکیا کوئی ایسا بھی ہے
जिदे कोल सज्जे खब्बे अगे पीछे नौकर चाकर गुलाम मुलाजम खादम ने, ते कोई ऐसा भी है उन्हों बवक्ते जरूरत पानी दा गलास देन वास्ते तैयार कोई नहीं। कोई ऐसा उन्हों बेटे बेटियां अगों पोते पोतियां औलाद दी अल्लाह ने फरावानी अता फरमाई है, ते कई ऐसे ने ओ सारी जिंदगी एक धी दा मूँह वेखण नूं तरसदे गए ने। बहर हाल हालात जैसे भी होण, कई ऐसे ने कि जिन्ना सारी जिंदगी अल्लाह दी ना फरमानी नहीं कीती, ते कई ऐसे भी ने जिन्ना दी बेनसीबी के ओना सारी उम्र अल्लाह दा एक हुक्म भी नहीं मन्निया, सारी उम्र अल्लाह दे अहकामात दी मुखालफत ते गुजार दिता। ये मेरे मालिक दी तकसीम है और निजाम जिंदगी है, यानी हर तरह दे लोग माशरे दे अंदर पाए जांदे ने। तो गौर करिए जरा, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने कैसा निजाम बनाया। लेकिन एक बात तो बहर हाल 100% दुरुस्त है कि जिंदगी सौखी होए या औखी होए, मुश्किल होए या आसान होए, जिंदगी बहर हाल गुजर ही जानी है, जिंदगी बहर हाल निभ जानी है। माड़ियां दी भी गुजर जानी है ते तगड़ियां दी भी गुजर जानी है, अल्लाह दे फरमा बरदारां दी भी गुजर जानी है ते ओदे ना फरमाना दी भी गुजर जानी है। जिंदगी बहर हाल हर आदमी ने जो अल्लाह ने ओदे साह लिखे ने मुकर्रर ने, ओ साह ते कम अज कम हर इंसान ने पूरे करके दुनिया तो जाना है। तो आइए जरा अज दे इस खुतबे जुमा दे अंदर मैं जो अर्ज करना चाहना वो बात एहो ही है कि जिंदगी हर इंसान दी गुजर जाएगी, चंगी गुजरे ते भावें मंदी गुजरे, अल्लाह दियां ना फरमानियां च गुजरे ते भावें उहदियां फरमा बरदारियां च गुजरे। तुसीं वेख लो ना फरमान इतने बड़े बड़े कि अल्लाह जुल जलाल ने माल दौलत इक्तदार सब कुछ अता फरमाया, ते चाहिदा ऐसी के मालिक दे फरमा बरदार बन जांदे, लेकिन अल्लाह जुल जलाल दे सामने आकड़ गया, ओदियां ना फरमानियां ते कमर बस्ता हो गया, ते अहकामुल हाकिमीन दियां इन्हां नेमतां दा नजायज फायदा उठा के ते अपने आप नूं जालिम ने रब कहलाना शुरू कर दिता। यानी ना फरमान इतने ज्यादा के रब दे मुकाबले अंदर अपने आप नूं रब कहलाण लग पै, ते फरमा बरदार इतने ज्यादा कि अर्श वाले दी तरफों भावें ख्वाब अंदर इशारा किया गया उन्हें बेटे दे गले ते छुरी रखन तो भी गरेज नहीं किया। हाय हाय कुर्बान जावां, ये दोनों किस्म के माशरे अफराद पाए जाते ने। हुण गौर करो ना, अकाली ते असां सुन्नत खलीली अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं अदा कर दिया होया सैकड़ों नहीं लखा नहीं करोड़ा दी तादाद दे अंदर जानवरां नूं ज़बा कीता है अल्लाह दी रजा दी खातर, और ये सारिया असल अंदर अदावा जनाबे खलीलुल्लाह दियां जनाबे ज़बीहुल्लाह दियां हजरत माँ जी हाजरा सलामुल्लाह अलैहा दियां। अल्लाह जिथे वो तेरे प्यारे लेटे ने उन्हां ते करोड़ा रहमत दियां बारिशां नाजल फरमा।
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਵਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਤੋ ਗੌਰ ਫਰਮਾਣਾ ਜ਼ਰਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਚੋਂ ਜਨਾਬ ਖਲੀਲੁੱਲਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੋ ਵਸਲਾਮ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਮਾਨ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰਹਿਮਾਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਲਾਹ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਜ਼ ਕਾਲਾ ਲਹੂ ਰੱਬਹੂ ਅਸਲਿਮ। ਵਾਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਖਾਲਿਕ ਤੇ ਮਖਲੂਕ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਵਾਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰਹਿਮਾਨ ਤੇ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਇਜ਼ ਕਾਲਾ ਲਹੂ ਰੱਬਹੂ ਅਸਲਿਮ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਲੀਲ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਬਣ ਜਾ। ਤੇ ਖਲੀਲੁੱਲਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ? ਅਸਲਮ ਤੋ ਲੈ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀ। ਜੀ ਮੈਂ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ, ਉਸੇ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰੀ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਕਿਤੇ ਕੌਮ ਨਾਲ, ਕਿਤੇ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ, ਕਿਤੇ ਬਾਪ ਨਾਲ, ਕਿਤੇ ਵਕਤ ਦੇ ਹਾਕਿਮ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾ ਆਜ਼ਮਾਈ ਫਰਮਾਏ ਅਤੇ ਇਸ ਮਨਸਬ ਤੱਕ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਇਜ਼ਬ ਤਾਲਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਰੱਬਹੂ ਫਾਤਮਹੁਨ ਕਾਲ ਇੰਨੀ ਜਾਇਲੋ ਕਾਲਿਨਾਸ ਇਮਾਮਾ ਕਾਲ ਵਮਿਨ ਸੁਰਯਤੀ ਕਾਲ ਲਾਯਨਾਲੋ ਅਹਦਿ ਜ਼ਾਲਮੀ। ਅੱਲਾਹ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਲੀਲ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਿਆ। ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਲੀਲ ਨੂੰ ਆਜ਼ਮਾਇਆ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਨਹੀਂ, ਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਕਦਮ 'ਤੇ ਆਜ਼ਮਾਇਆ, ਹਰ ਕਦਮ 'ਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਿਆ। ਇਹ ਅਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲਿਆ ਰੱਬਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਖਲੀਲ ਉਹਨਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ 'ਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਲਾਹ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਾਤਮਹੁਨਾ। ਸੁਹਾਨ ਅੱਲਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਹ ਵਾਇਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਿਸੇ ਮਦਰਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈਖੁਲ ਹਦੀਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਆਮ ਕਰਦਾ। ਵਾਹ ਪਿਆਰੇ ਖਲੀਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਮਤ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਨੇ ਜਾਰੀ ਫਰਮਾਇਆ। ਅਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਨੇ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਆ ਗਏ? ਲਓ ਜੀ, ਆਏ ਰੋਜ਼ ਮੁਕੱਦਮਾਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨੰਬਰ ਬਹੁਤੇ ਸਨ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨੰਬਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਨਾਬ ਖਲੀਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਨੇ ਅਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਰੱਬ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਫਰਮਾ, ਅੱਲਾ ਫਿਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜੋ ਤੁਸਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਆਪਣੇ ਖਲੀਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਫਰਮਾਇਆ, ਹਾਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਨਾਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ? ਲਓ ਜਨਾਬ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸਤਾਦ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲੈਕਚਰਾਰ ਮੁਕਰਰ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਲਾ, ਖਲੀਲੁੱਲਾ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਜਾਰੀ ਫਰਮਾਈ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਜਾਇਲੋ ਕਾਲਿਨਾਸ ਇਮਾਮਾ।
मेरे प्यारे खलील जी मैं तुहानू लोकां दा इमाम बना दिता है इन्नी जाए लोका लिन्ना से इमाम मैं तुहानू लोकां दा इमाम बना दिता यानी फर्मा बरदार इतने ज्यादा कि उन्हें अग विच छाल मारन तो परहेज ते गुरेज नहीं किया ते ना फरमान किन्ने ज्यादा ने आओ जरा अल्लाह दा कुरान समात फरमा लो अल्लाह जुल जलाल दे बड़े बड़े दुश्मन बड़े बड़े ना फरमान आहकाम उल हाकिमीन दे कदम कदम ते मुखालफत करने वाले नबियां दा रस्ता रोकने वाले अपने आप नू आना रब्बो को मुल आला दा दावेदार कहन वाले कुरान ने नक्शा खिंचया सपारा चौवी है ते सूरत दा नाम है सूरा मोमिन अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने वाला कद अरसलना मूसा बे आयातना व सुल्तान मुबीन एला फिरऔन व हामान व कारून व कालू साहिरुन कज्जाब फलम्मा जाअहुम बिल हक के मिन इंदना कालुक तलू अबना अल्लजीना आमनु माओ वास्तहयो निसाहुन वमा कैदुल काफिरीना इल्ला फी जलाल जनाबे मूसा अलैहि सलातो वस्सलाम अल्लाह फरमांदे ने असा उन्हां नूं भेजिया दावत दे के किधर वाल किधे वाल इला फिरऔन वहामान वकारून तिन्ना काफरां दे अल्लाह ने नाम लैके बयान फरमाया एक फिरऔन एक हामान ते एक कारून अल्लाह अल्लाह इतने बड़े बड़े अल्लाह दे दुश्मन ते ना फरमान और एक गल इत्थे होर नोट करन वाली है कि मेरे और तुहाडे पीर ओ मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी अलैहि सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा बेनिमाज है असी बड़े बड़े पक्के नमाजी हैं कई नमाजी ने हफ्तावार जुमा पढ़ लिया ते अगला जुमा पढ़ लिया भाई इन्ना ही काफी है कई जरा होर किस्म देने वांदे ने जी ईद पढ़ लो ते अगली ईद पढ़ लो सारा कुछ बीच ही आ जाता है कई फजर देते मगरब दे नमाज फजर पढ़ लईए मगरब पढ़ लईए सारा कुछ बीच ही आ गया और कई ऐसे अल्लाह साडे हाल ते रहम फरमाए कि कई बेनसीबां नूं ईद वाले दिन भी अल्लाह दे सामने आउण दी तौफीक नहीं हुंदी मैनूं एक दोस्त ने गल सुनाई कहन लगे साडे इलाके च चौधरी साहब हुंदे सन ते कुछ लोग जरा खुले मिजाज दे हुंदे ने उन्हें ये पता ही नहीं लगता अपने वालों हासा मिजाक बनाते ने ते ये उन्होंने पता ही नहीं हुंदा कि असी जबान तो कैसे जुमले अदा कर रहे हैं किते साड़ी आखरत तबाह ते नहीं हो रही उन्हें आखिया जी उहदा चैलेंज सी जेड़ा मैनू नमाज पढ़ाएगा मैं उन्होंने 500 रुपया इनाम दिया कोई मैनू नमाज पढ़ा के वेखे यानी बद बख्ती ते बद नसीबी दा आलम ए वे के नाले चोर नाले चातर एक ते ना फरमान नमाज नहीं पढ़ता और दूसरा है वे उन्हें है मेरे को नमाज पढ़वा के वेखो ते सही वेखो मैं किवें पढ़ना इनाम देंगा जेड़ा मैनू मसीते लै जाए एदे च तेरा कमाल नहीं तेरी बद बख्ती ते बद किस्मती दा कमाल है
यारे पैगंबर अली सलाम दा फरमान की है। आमिना दे लाल अली सलाम फरमान देने बैन अल्ला आबदे, जिन्हों असी मामूली समझने आप, बैन अल्ला आबदे व बैन अल कुफरे तारक सलात। इन्ने सख्त अल्फाज, इन्नी डाडी वाइद, नबी पाक फरमा रहे ने बैन अल आबदे व बैन अल कुफरे। दूसरे लफ्ज़ च अगर समझिए ना, तो नबी पाक ने बेनमाज नूं बंदा ही नहीं समझिया, बैन अल आबदे बंदे दे व बैन अल कुफरे ते कुफर दे दरमियान तारकु सलात। फर्क ही सिर्फ नमाज दा है। दुआ करिया कर अल्लाह सानू सारिया नू अपने फजल नाल पक्का नमाजी बना दे। और अगर नमाज दी तौफीक नहीं मिली ते नबी पाक अलैहि सलाम फरमांदे ने बेनमाज बंदे नू अल्लाह कयामत नू फिरौन हामान ते कारून दा साथी बना देवेगा। ओ कारून हामान फिरौन जिदा इन्ना आयतें च अल्लाह ने जिक्र फरमाया, यानी चोटी दे अल्लाह दे ना फरमान ते रब दे दुश्मन, रब्बुल आलमीन ने उन्हां दा तज़किरा फरमाया। फरमाया असां जनाबे मूसा अलैहि सलाम नू भेजिया किधर, इला फिरौन वहामान वकारून, इन्हां नू दावत हक सुनान वास्ते। ते उन्हां जवाब की दिता, आंदे ने कालू हाजा सिहर, कालू हाजा साहिर कज़्ज़ाब। ए फिरौन हमान ते कारून जेड़े ने ए बदबख्त जनाबे मूसा नू कहन लगे साहिरुन कज़्ज़ाब, ए ते नौज़ बिल्ला है ही को बड़ा वड्डा जादूगर। फलम्मा जाहुम बिला हक मिन इंदना, हुन प्रोग्राम बना लिया। प्रोग्राम की है, कालुक तोलु अबना अल्लज़ीना आमनु माहु वस्तहयु निसाहुम वमा कैदुल काफिरीन इल्ला फी ज़लाल। हुन प्रोग्राम ये बनाया, एक ते ओ सी ना हजरत मूसा अलैहि सलाम दी पैदाइश तो पहला जिदे मुतालिक बाद मुफस्सरीन ने लिखे है कि फिरौन नूं एक ख्वाब आई कि एक बच्चा पैदा होने वाला मेरी सल्तनत दे अंदर, जड़ा मेरी सल्तनत नू हुकूमत नू तबाह कर देवेगा, ते लिहाजा इन्हां दे बच्चे कतल करवा दियो, बच्चियां नू जिंदा रहन दियो। एक ओ वेला सी हजरत मूसा अली सलाम दी पैदाइश तो पहला। हुण इन्हां ए प्रोग्राम बनाया कि जेडे इन्हां दे बच्चे ने उन्हां नू कतल कर दिता जाए। क्यों ना इन्हां दे बच्चे जवान होंगे, ना साडे वास्ते कोई मुसीबत पैदा करनगे, साडी हुकूमत वास्ते खतरा नहीं बनेंगे। तुसी वेख लो कश्मीर दे अंदर, मकबूजा कश्मीर दे अंदर 70, 74, 75 साल हो चले ने, उन्हां मजलूम कश्मीरिया दी नस्ल कुशी कीती जा रही है। अकवामे मुतहिदा दियां करारदादां दे मुताबक कि इन्हां नूं इस्तिस्वाबे राय दिता जाए, अपनी मर्जी नाल इंडिया की हिमायत कर या पाकिस्तान की हिमायत कर, ये नहीं किया जा रहा। और किया की जा रहा कि कश्मीरियों की नस्ल कुशी की जा रही है, इन्हां दे जवानां नूं खत्म किया जा रहा। क्यों? ताकि कल कला अगर वोट पैंदा है, इलेक्शन हुंदा है, ते इन्हां दी अक्सरियत ना किते हो जाए, गालिब ना हो जाए। अल्लाह अल्लाह, ए मालूम हुंदा है कि ए फिरौन दी नस्ल तो एक गल चलदी आ रही है कि अहले इस्लाम ते अहले ईमान नूं दबा दियो, खत्म कर दियो, इन्हां दी नस्ल कुशी कर दियो। ए फिरौन ने मनसूबा बनाया, आंदे ने कालुक तोलु अबना
الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم مردان نو قتل کر دیو تے عورتان نو زندہ رہن دیو وما قید الکافرین الا فی ظلال ہن بلکہ فرعون نے بھی ایک تڑی لائی تے ودا کی آندا ہے آندا کالا فرعون زرونی اقتل موسیٰ جا بے نصیبا اے ڈیڑے وڈے اللہ دے نا فرمان نے زندگی تے اونا دی بھی گزر جانی ہے جنہ ساری زندگی اللہ دیاں فرما برداریاں گزاری ہے تے کاموں کی والے اور زندگی اینا دی بھی دنیا دی گزر گئی جنہ ساری زندگی اللہ دیاں نا فرمانیاں دے اندر گزاری ہے اندہ ضرورنی اب موسیٰ والی دو رب کہن لگا ضرور نہیں مینو چھڈو میں موسیٰ نو قتل کر دینا ضرور نہیں اقتل موسیٰ میں موسیٰ نو زندہ نہیں رہن دینا میں نہیں اینو چھڈنا حالاں فرعون نو کسے کولو پوچھن دی تے لوڑ ہی نہیں سی صاحب اقتدار سی لوگ تے ایدے تابع سن اے تے اوہی گل ہوئی اور دو بندے لڑ دے ان تے جدو کول کوئی چھڑانا لا ہو بے او نو پھڑ دے او نا یار او پیچھے ہو جا یار تیری مہربانی او نو پھڑ دے او بھائی جانو چھڑو جی رہن انہیں نہیں جی میں نو چھڑ دے ہو میں یہ نو نہیں چھڑنا انہ دوہاں نے چھڑ دیتا تے اے دو میں بھی آرام نال کھلو گیا بھی ہے تے اینے جو گئی سے انہیں میں نہیں چھڑنا فرعون کی آندہ ہے آندا ضرورنی اقتل موسیٰ مینو چھڑ دیو میں موسیٰ نو زندہ نہیں رہن دینا نعوذ باللہ ختم کر دینا تے رب العالمین نے تے پہلا ہی فیصلہ کر دیتا سی چا لال ہے جدو موسیٰ علیہ السلام پانی چ رڑ دے آئے تے فرعون دے محلہ تک پہنچے یا اللہ پانی چ ماں نے رڑ دیتا موسیٰ علیہ السلام نو تے پانی پوچھ دے پانی دیاں لہراں تے موجاں پوچھ دیاں ہون گیاں یا اللہ کدھر نو روڑ کے کھڑیے فرمایا فرعون دے محلاں وال لے جا یا اللہ او تے اگے ہی لبدا پھردا تلاش کردا پھردا فرمایا تاں ہی تے میں ادھر کھلن لگا وی چا لا لے چنگی طرح چا لا لے اے نہ آکھے بھائی میرے قابو آ جاندا تے میں یہ کر دیندا تے میں وہ کر دیندا اپنا چال آ لوے اللہ ایتھے بھی اللہ ذل جلال دے مقابلے اندر ظالم کیا کی رہا ہے آندا ضرورنی اقتل موسیٰ اور ایتھے ہی بس نہیں اگلے الفاظ بھی ظالم نے کیسے آکھے آندا والی دو رب ہو پاویں اپنے رب نو بھی نال سد لوے مینو کوئی پرواہ نہیں موسیٰ دی علیہ السلام تو وسلام پامے نال اپنے رب نو بھی سد لوے انی اخاف ایو بدل دینکم او ایو زہر فی الارض الفساد اے تے زمین تے نعوذ باللہ فساد بپا کر دے وے گا اللہ میں تیرے قرآن دی عظمت تو صدقے جاواں تے اللہ اخوار قربان جاواں ایک ایسا بندہ ہے فرعون دا اپنا بعض نے لکھے ہے کہ فرعون دا چچا زاد پائی سی بعض آندے نے کہ انہاں دی برادری دا سی ہے اے دا ساتھی سی اندر کھاتے موسیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھ چکیا سی اجے اپنا ایمان ظاہر نہیں سی کیتا اللہ فرما دے نے وقال رجل مؤمن من آل فرعون تم ایمان ہو اتقتلون رجلن ان یقول ربی اللہ او الفاظ جیڑے فرعون دے دربار اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام دے ساتھی نے آکھے سرنا بے این ہی اوہ الفاظ جدو میرے تے تواڈے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ دے گل پاک دی اندر مکے والیاں نے کپڑا پایا اینج بیت اللہ دے سین اندر حضور دی گردن مبارک
च कपड़ा पा के ते वट चाड़न डया ने। ते मेरे प्यारे सिद्दीक नू खबर मिली, आप नू इत्तलावां मिलियां, आ मजमा चीर दे आ रहे ने, अपनी जान दी परवाह ने, अपने दुखां दी परवाह ने, आने वाले मसाइब दी परवाह ने, अज मजमा चीर दे जा रहे ने। ते मेरे महबूब दे करीब तशरीफ लै जांदे ने, अज लोकां नू पिछे हटा रहे ने, ते नाल फरमांदे ने अतक तोलून रजुलन अयकूल रब्बे अल्लाह। जेड़े फिरौन दे दरबार अंदर फिरौन दे अपने साथी ने, ते हजरत मूसा अलैहि सलातो व सलाम दा छुप छुपा के कलमा पढ़न वाले एक मोमिन ने आखे सन अतक तोलून रजुलन अयकूल रब्बे अल्लाह, क्या तुसी इस अल्लाह दे बंदे नू तां कतल करना चाहते हो? क्या तुहानू एक अल्लाह दी तौहीद दी दावत क्यों देंदा? एक अल्लाह दा तुहानू पैगाम क्यों सुनांदा? एहो ही पैगाम ते एहो ही अल्फाज जनाब मूसा अलैहि सलाम दे पैरोकार ते मनन वाला जा फिरौन नाल मुलाकात की थी, कहन लगा अतक तोलून रजुलन अयकूल रब्बे अल्लाह वकद जाअकुम बिल बय्यिनात मिर रब्बिकुम व इन यकु काज़िबन فَعَلَيْهِ كَاذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ। قول گیا فرعون دے جا ملیا کہن لگا یار گل سن ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖੱਤੇ ਹੀ ਪੈ ਗਏ ਹੈ, ਜੇ ਤੇ ਮੂਸਾ ਸੱਚਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਆਉਣਾ ਉਹਨੇ ਗਾਲਿਬ ਆ ਜਾਣਾ ਹਾਲਾਤ ਜੈਸੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਤੇ ਜੇ ਨੌਜ਼ੂ ਬਿੱਲਾ ਉਹ ਝੂਠਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਐਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਖੱਟਿਆ ਪਾ ਲੈਗਾ, ਆਪਣਾ ਬੀਜਿਆ ਵੜ ਲੈਗਾ, ਐਵੇਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਹੁਣ ਫਿਰੌਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਟਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਰਬਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਅੱਲਾਹ ਮੇਰੀ ਤੌਬਾ। ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਨਕਸ਼ਾ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਖਿੱਚਿਆ, ਅੱਲਾਹ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਕਾਲ ਫਿਰਾਉਨ ਯਾ ਹਾਮਾਨ ਉਬਨ ਲੀ ਸਰਹ ਅੱਲੀ, ਜਾ ਬਦਬਖਤਾ ਤੇ ਬੇਨਸੀਬਾ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਹੱਦ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਏ। ਆਂਦਾ ਕਾਲ فرعون یا حامان ابن لی سرح اللی ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الی موسی و انی لاظنه کاذبا। अपने साथियों नू कहन लगा, ते खसूसन हमान, ओ जेड़ा हमान फिरौन हमान ते कारून हमान नू अपने वजीर नू कहन लगा, इंज कर मेरे वास्ते एक बहुत उच्चा महल बना, एक बहुत उच्ची बिल्डिंग बना। कादे वास्ते एडी उच्ची बिल्डिंग बना? मैं जाके वेखा मूसा दा रब केड़ा है। अब लोगोल असबा, मैं जाके मैं पहुंचा आसमान दे दरवाजे तक, मैं वेखा मूसा दा रब की है असबाब समावात फत तालिया इलाए मूसा, मैं जाके वेखा मूसा दा रब व इन्नी ला सुन्नहु काज़िबा, ते मैं ते महसूस करना वा मूसा है ही झूठा। अस्तग़फिरुल्लाह अल अयाज़ु बिल्लाह, अल्लाह ए तेरे ना फरमान ते तेरे कदम क
कदम ते हुक्म उदोलियां करने वाले ते सोनिया तू एडा वड्डा हौसले वाला के तेरी कदम कदम ते नाफरमानी करदा पिया ते तू उस जालिम नू साहिब इक्तदार बना दिता। तेरिया मर्जियां ते तेरिया हिकमतां सोनिया तू ही जानन वाला। मेरे भाई मेरे बरादर मैं अर्ज करना चाहना वा जिंदगी ते गुजरी जानी है और मैं कहा करना वा जिंदगी ओदी भी गुजर जानी है जिन्ने अल्लाह दियां फरमा बरदारियां गुजारी है। जिंदगी ओदी भी गुजर जानी है जिन्ने अल्लाह दियां नाफरमानियां अंदर गुजारी है। और यार जिंदगी ते ओदी भी गुजर जानी है जिन्ने महल्लात कोठियां ते बंगलियां विच गुजारी है। जिंदगी ओदी भी गुजर जानी है जिन्ने कखां दी कुल्ली ते झोंपड़ी दे अंदर गुजारी है। जिंदगी ओदी भी गुजर जानी है जिन्ने नमक मिर्च नाल रोटी खा के गुजार ले ते गुजर ओदी भी जानी है जिन्ने मुर्गे चरगे ते बटेरिया नाल खा ले गुजर ओदी भी जानी है जिन्ने करोड़ा रुपए दे लिबास पहन के गुजार ले ते गुजर ओदी भी जानी है जिन्ने लंडे चो लै के ते अपना तन कज लिया गुजर ओदी भी जानी है। एक ओ भी है जेड़ा एक एक दिन दे अंदर कई कई लिबास बदलदा गुजर ओदी भी जानी है। एक ओ वे जिन्हू ईद वाले दिन भी धोते कपड़े नसीब नहीं होने गुजर ओदी भी जानी गुजर ते जानी है हर एक दी गुजर जानी है। बस दुआ करिया कर अल्लाह दुनिया आखरत दियां रुसवाइयां तो सानू बचा के रखे ओदियां नाफरमानियां कर करके ते बेखौफ ते बेफिकर ना हो जाई। अल्लाह अल्लाह कदी कदी रब्बुल आलमीन दुनिया के अंदर रुसवा कर देंदे ने। ओही फिरौन बड़ा आकड़ खां बड़ा फन्ने हां बड़ा साहिब इक्तदार ते रब्बुल आलमीन ने पानी च दाखल करके पानी च गर्क कर दिते। जेदी आकड़ संभाली नहीं सी जांदी अल्लाह ने वासले जहन्नम कर दिता। और तेरा ते हुक्म पानी दिया मौजा ते नहीं चलता। जमीन व आसमान दा खालिक ते मालिक इको ही है जिन्हों रब्बुल आलमीन कहा जाता। कदी कदी रब्बुल आलमीन लोगों नू दिखा देंदे ने कि इंज भी मैं जलील और रुसवा कर देना। और कदी इक्तदार होए इख्तियार भी होए दौलत भी होए माल भी होए ते दिल विच खौफे खुदा भी होए एदे नालो वड्डा खुश नसीब ते खुश बख्त और केड़ा हो सकता है। सैयदना जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह जिथे ओ तेरा वली लेटे है ओदी कबर ते रहमत दियां बारशां नाजल फरमा। उमर बिन अब्दुल अजीज दे मुतालिक सीरत निगारा ने लिखे है कि उन्हां दे दौरे इक्तदार अंदर लोग जकात लैके फिरदे सन ते लैण वाला कोई नहीं सी लभदा। बकरी ते भेड़िया एक घाट तो पानी पींदे सन ते भेड़िए दी जुर्रत नहीं सी हुंदी भेड़ बकरी वाल अख उठा के वेख जाए। उमर बिन अब्दुल अजीज ने जमीन दे सीने ते इंसाफ तीन बर्रे आजम दा हुक्मरान और है कौन है अल्लाह अल्लाह। मारूफ वाकया सैयदना जनाबे फारूक आजम रजी अल्लाह ताला रात दा समय आप गश्त वास्ते निकले
साढ़े 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान लोग सुते ने ते उमर मदीने दियां गलियां च गश्त करते फिर रात का वेला निकले एक बाजार चो गुजर रहा ने ते अंदरों दो औरतों की गुफ्तगू की आवाज इंज जिवें आहस्ता आहस्ता आपस गुफ्तगू कर रही ने जनाबे फारूक आजम गुजर रहा ने गुफ्तगू की है मां दिए बेटिए उठ ना जरा दुध विच पानी पा दे बड़ा मारूफ वाक्य है उठ दुध विच पानी पा दे ते बेटी कह लगी अम्मी पता जे उमर ने मिलावट तो मना कर दिता है ते मां भोली सी कह लगी नी कमलीए बेटिए रात अद्धी हो चलीए ते रात दे अंधेरे च इत्थे केड़ा उमर विंदा पिया दुध विच पानी मिला दे ते उस बेटी ने कामों की वालियो जेड़ा जवाब दिता आबे जारना लिखन दे काबले कह लगी मां कमलीए जे उमर नहीं विंदा ते उमर दा रब ते विंदा है पिया ओए नौजवानों ओ मेरी कौम दियो शहबाजो मेरे बुजुर्गो मेरे ओ दोस्तो ते भाइयो रब दा वास्ता है आ ना किते गल सोच लई के केड़ा कोई विंदा पिया हाँ हाँ बंद कमरियां दे अंदर जिथे कोई नहीं विंदा उथे कायनात दा रब विंदा है पिया आंदी है अम्मा जान उमर नहीं विंदा उमर दा रब ते विंदा पिया जनाबे उमर ने इंज दरवाजे ते निशान लगाया आप नोटिस नहीं लिया आप तशरीफ लै गया दिन चढ़िया अल्लाह दे प्यारे जनाबे उमर ने पैगाम भेजिया फलां घर तो बुला के लियाओ कासद पहुंचिया पता लगा ये तो एक बेवा दा कार है फरमान लगे तुहानू अमीर मोमिनीन ने तलब फरमाया माई दियां लत्तां चो जान निकल रही है ते ए लरजदी है पई है जनाबे उमर जैसी अदालत दे अंदर आउंदी वाला बड़े बड़ियां दे पित्ते पानी हो जांदे ने मैनू अमीर मोमिनीन ने बुलाया और जिथे गलती होए ना फिर बंदे नू थोड़ा महसूस ते हो जांदा कि ते उमर ने रात मेरियां गल्लां ते नहीं सुन लईयां बीबी लरजाबर अंदाम अमीर मोमिनीन दी अदालत ते खिदमत दे अंदर पेश कर दिती गए अमीर मोमिनीन फरमांदे ने बीबी रात जेड़ी गुफ्तगू हो रही से ओ गुफ्तगू तू कर रही से ते बीबी दी ते जान निकलन नू फिर दिए लत्तां कंबदियां ने पईयां जबान साथ नहीं दे रही जी अमीर मोमिनीन मैं माजरत खावा मैं एक बेवा खातून कमा के लियाउन वाला कोई नहीं मेरे ते रहम फरमाओ जी मेरे कोलो ही गलती होई है मैं ये गलती कर बैठी हाँ अमीर मोमिनीन फरमांदे ने अच्छा बीबी मैं एक अर्ज करना चाहना वा जी फरमाओ फरमान लगे इंज करो हां उस बेटी नू मेरी बेटी बना दियो ओनू मेरी बेटी यानी मैं तुहाडे कोलों अपने बेटे वास्ते उस बेटी दे रिश्ते दा तलबगार हाँ ते माई दियां अखां डुल पईयां कहन लगी अमीर मोमिनीन तुसी वक्त दे हुक्मरान हो तुसी अमीर मोमिनीन हो तुसी खलीफातुल मुस्लिमीन हो ते मैं एक बेवा खातून मेरा तुहाडा जोड़ फबदा कोई नहीं फरमांदे ने
बीबी उस तेरी बेटी दे ईमानी कुव्वत ने उमर दा दिल जित लिया। मैं अपने बेटे वास्ते तेरी मर्जी दे मुताबक जे इजाजत होवे ते मैं उन्हु अपनी बेटी बना ला। निकाह हो गया। ओ जनाबे आसम हजरत फारूक आजम दे लखते जिगर ने हजरत आसम दी बीवी बनी ओ बच्ची। ते फिर उस औरत विचों अल्लाह ने जनाबे आसम नो एक बेटी अता फरमाई है जेड़ी ओ बेटी है ओ उमर बिन अब्दुल अजीज दी बीवी है। चंगियां चो रब चंगे पैदा फरमा देंदे ने। फर्क ते हुंदा ना अपनिया औलादां नूं रिस्के हलाल खिलाया करो नेकी दी दावत दिया करो नेकी दी तरफे रागब रखिया करो। अल्लाह दुनिया आखरत दियां इज्जतां ते पलाइयां अता फरमा देंदे। ओ जनाबे उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह वक्त दा हुक्मरान सलमान बिन अब्दुल मलक इहदा नाम है। मैं अज एक तारीख की किताब देख रहा सर फौत होने लगा न ते अपने वजीर नू तलब कीता बुलाया कह लगा मेरे मरण के बाद मैनू मशवरा दे कि मैं किन्नू खलीफा बनावा इकतदार किन्नू सौंपा। ते उन्हें मशवरा दिता जे मेरी पुछ दो ते उमर बिन अब्दुल अजीज नू हुकूमत दे दो। उमर बिन अब्दुल अजीज नू हुकूमत दे दियो। तबीयत दे अंदर नेकी है तकवाए लिल्लाहियत परहेजगारी है। उन्हें अपना वसीयतनामा लिखिया वसीयतनामा लिख के इनू लिफाफे दे अंदर बंद किया ते हुक्म जारी फरमा दिता इहदे ते लोकां कोलों बैत लई जाए। बैत लई गई कहन लगा ए लिफाफा मेरे मरण तो बाद खोलिया दे। फौत हो गया ते ऐस डर तो क्या पता नहीं वसीयत दे अल्फाज की ने ते उमर बिन अब्दुल अजीज नो लोकी अपना खलीफा मनणगे के नहीं। फौत हो गया। कुछ दिन गुजारन दे बाद इसे ही परेशानी दी वजह तो मस्जिद दे अंदर बनो उमैया नो इकट्ठिया किया जाता वसीयतनामा खोलिया जांदा खत खोलिया जांदा पढ़ के सुनाया जांदा कि उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैहो मैं अपना खलीफा अपना जानशीन मुकर्रर कर रहा। मैं पढ़ रहा सा दो आवाजा पूरे मजमे चो दो आवाजा बुलंद होया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक आवाज हशाम दिए जिन्हों अंदाजा सी कि एदे मरण तो बाद मैं खलीफा बनागा मैं हुक्मरान बनागा ते दूसरी आवाज जनाबे उमर बिन अब्दुल अजीज दिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पढ़दे ने मेरे कमजोर कंधे माड़े कंधे ते मैं किवें खिलाफत दा बोझ उठावांगा। खैर बैत हो गई। अगला दिन गुजरिया ना ते जनाबे उमर बिन अब्दुल अजीज ने खुतबा इरशाद फरमाया फरमांदे ने लोको ओ ते वसीयत नामा सी ते तुसा बैत कीती पता नहीं मजबूरन कीती है ते आज मैं तुहानू इख्तियार दे रहा वां अगर मेरे हाथ ते बैत करना चाहो ते तद भी तुसी आजाद हो ते जे मेरे अलावा किसी और नू खलीफा बनाना चाहो ते मैं तद भी तुहाडे वास्ते रस्ते वा कर रहा वां। सारा मजमा यक जबान जनाबे उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह आप दी बैत कर देने ते आप नू खलीफातुल मुस्लिमीन बना लेंदे ने। तीन बर्रे आजम दा वक्त दा हुक्मरान वाह मेरे माले जदों तुसी दिला नू फेर दियो एक एक दिन दे अंदर कई कई लिबास पहनन वाला शाहाना जिंदगी गुजारन वाला ओ है
भी ते शामा दी औलाद ते शहजादा है। इस अंदाज दी जिंदगी गुजारन वाला हुन अंदाज ही यकसर बदल गया ने। लोग बड़े बड़े आला किस्म दे आला नसल दे घोड़े लैके आए हजरत दे ते सवारी करनी है। फरमांदे ने सारे लै जाओ इन्हां नू बैतुल माल च जमा करा दियो, मैनू अपने वास्ते अपना खच्चर ही काफी है। निकले घर तशरीफ लै गया अपनी सौजा मोहतरमा हजरत बीबी फातिमा, इन्हां नू जाके फरमान लगे फातिमा अल्लाह ने जिम्मेदारियां बहुतियां पा दितियां ने, मैं तैनू इख्तियार दे रहा वा, एक दो गल्ला मैं तेरे नाल करनिया ने, वारा खाए ते मैनू जवाब दे दे। इंज करना या ते मेरे कोलों तलाक लैके चली जा, एक गल या ते तलाक लैके चली जा ते या फिर अपना हक मैनू माफ कर दे। ते बीवी बीवी भी बड़ी अजीम ते बड़ी नेक औरत है, कहन लगी खलीफतुल मुस्लिमीन मैं सौखे दिन तुहाडे नाल गुजारे ने ते हुण भी मैं तुहाडे कदम नाल कदम मिला के जिंदगी गुजारांगी। अल्लाह अल्लाह मैं कदम कदम ते तुहाडे नाल कदम मिला के जिंदगी गुजारांगे, मैं तुहानू अपने हक भी मुआफ कर दिते ने। आंदे ने फिर उमर बिन अब्दुल अजीज दियां रातां इंज गुजरदियां, रात मुसल्ले ते रोंदियां रोंदियां उत्थे नींद आ जांदी ते सौ जांदे, सुबह उठदे ते उत्थों ही अपनी खिलाफत दा मनसब जाके संभाल लैंदे। अल्लाह अल्लाह दिन गुजरदे ने पै ईद दा मौका आ गया, हजरत बीबी फातिमा सौजा जनाबे उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह बच्चे कोल आए, आके कहन लगे अम्मी जान ए कपड़े पुराने ने ते सानू भी कोई कपड़े नवे लै दियो। जनाबे अमीर मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन नो बीबी फातिमा सौजा कहन लगे हजरत खलीफतुल मुस्लिमीन ते बच्चियां दे कपड़े पुराने ने, ईद दा दिन भी आउन वाला ते हजरत बच्चे कपड़े मंगदे ने पै। फरमान लगे मेरे ते पल्ले शाह कोई ने, कहन लगी हजरत खजानिया दे मुंह भरे पै ने, हाय हाय खजानिया दे ढेर लगे ने जिवें कणक ते चावल दे ढेर लगे हुंदे ने। फरमान लगे मेरा ते नहीं ना ओ मेरी कौम दा सरमाया, कहन लगे मेरे ते पल्ले शाह बीवी मशवरा दिता, कहन लगी खजाने विचों कुछ पैसे अगले महीने दी तनखा एडवांस ले लो असी उस तो बाद कटवा देंगे। अपने वजीरे खजाना नू बुलाया, फरमान लगे यार इंज दी कर दी कैफियत हालत जे मैनू तुसी मेहरबानी फरमा दियो अगले महीने दी एडवांस तनखा दे दियो ताकि बच्चे ईद अच्छी गुजार लैन। अल्लाह अल्लाह वजीर कहन लगा ए खलीफतुल मुस्लिमीन मैनू अगले महीने तक गारंटी दे दियो कि तुसी जिंदा रहोगे, अगले महीने तक जिंदा रहन दी गारंटी देंदे हो। ते जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज दा सर चुक जांदा, बीवी नू जाके गुजारिश कीती दस्या, फरमाया इन्हां कपड़ियां नाल ही बच्चियां नू ईद पढ़ा लो। ईद वाले दिन बनू उमैया दे खानदान दे लोग आ रहे ने, उन्हां दे जवान भी आ रहे ने, ते आके अमीर मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन नु मिलदे ने पैर, सरक बरक लिबास आला किस्म दे कपड़े पहने ने। ते थोड़ी देर बाद इधरों उमर बिन अब्दुल अजीज दे अपने बच्चे आ गए, अबू जी नु ईद मिलन वास्ते आए ने, ते फटे पुराने कपड़े कपड़िया ते टाकियां लगिया ने, ते जनाबे उमर बिन अब्दुल अजीज दियां अखां चो आंसू आ गए। फरमांदे ने मेरे पुत्र
पुत्रो मैनू माफ कर दिया जे, ये खजाने मेरे नहीं, मैं तुहानू नवे कपड़े नहीं बना के दे सकिया। बेटा औलाद ते औलाद हुंदी है पर सारी औलाद भी एक जैसी नहीं हुंदी। बेटा खड़ा होया कहन लगा अब्बा जान अल्लाह दी कसम है सानू इन्ना पुराने कपड़ियां ते ही फखर है, सानू इस गल दा फखर है कि साडे बाप ने कौम दे खजाने विचों बदयानती नहीं कीती। कौम दा सरमाया ते कौम दा पैसा शीरे मादर समझ के हजम कर जान वालियो, रब दा वास्ता जे ए लोग ने साडे वास्ते अल्लाह जुल जलाल ने कैसे बेहतरीन नमूने बना दिते ने। जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह मैं तेरे इस वली दी अजमत शान तो रिफा तो मैं कुर्बान जावा। आंदे ने बीमार हो गया ते एक दिन फरमान लगे फातिमा आज मेरा अंगूर खान नू दिल कर आया। ते बीवी कहन लगी सरताज सारे खजाने ते तुहाडे ही ने, एक दिरम विचों लै गए ते अपनी ख्वाहिश पूरी कर लो अंगूर खा लो। ते इंज झटका जिहा लगा तड़प उठे ते फरमांदे ने फातिमा मैं कमजोर बड़ा वां ते जहन्नम दी अग बड़ी डाढ़ी है, मैं जहन्नम दे अजाब नहीं सहन जोगा। मेरे भाई मेरे बरादर गल फेर उथे ही आएगी, गुजर उन्हां दी भी जानी है जेड़े कौम दा खजाना सारा लुट गया, गुजर उन्हां दी भी जानी है जेड़े कौम दे खजाने नू शीरे मादर समझ के इस्तेमाल कर देने, गुजर उन्हां दी भी जानी है जेड़े महल्लां ते कोठियां दर रहन वाले, और सोने ओ गुजर ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਮਕਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੁਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣੀਏ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਕਈ ਕਈ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਧੋਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਸੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ ਕਿ ਜਿਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੌਲਤ ਨਾ ਹੋਏ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਕਤਦਾਰ ਨਾ ਹੋਏ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਾਲ ਨਾ ਹੋਏ, ਅਸੈਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਹੋਣ, ਈਮਾਨ ਦੀ ਦੌਲਤ ਹੋਏ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਡਰ ਹੋਏ, ਖੌਫੇ ਖੁਦਾ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਹੋਏ, ਔਰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਅਹਕਮੁਲ ਹਾਕਮੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਹ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਹੱਤੁਲ ਇਮਕਾਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹਰ ਉੱਠਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਅੱਲਾਹ ਔਰ ਉਸਦੇ ਰਸੂਲ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੀ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਠੇ, ਔਰ ਕਿਤਾਬ ਸੁਨਤ ਦੀ ਤਾਬੇ ਆਧਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਠੇ। ਅੱਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਐਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਕਿ ਜਿਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਕਿਤਾਬ ਸੁਨਤ ਦੀ ਇਤਬਾਹ ਹੋਏ, ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰੀ ਹੋਏ, ਔਰ ਕਿਤਾਬ ਸੁਨਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ। ਸਦਕ ਅੱਲਾਹੁ ਅਲ-ਅਲੀਯੁਲ ਅਜ਼ੀਮ ਵਸਦਕ ਰਸੂਲੁਹੁ ਨਬੀਉਲ ਕਰੀਮ ਵਨਹਨੁ ਅਲਾ ਜ਼ਾਲਿਕਾ ਮਿਨ ਸ਼ਾਹਿਦੀਨ ਵਸ਼ਾਕਰੀਨ ਵਲਹਮਦੁ ਲਿਲਾਹਿ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ। بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه أذهب البأس رب الناس واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما। ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਤਮਾਮ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾਏ ਕਾਮਿਲਾ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ, ਤੰਗ ਦਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤੰਗ ਦਸਤੀਆਂ ਦੂਰ ਫਰਮਾ, ਸ਼ਾਹਾ ਬੇ ਔਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨੇਕ ਸਾਲੇ ਔਲਾਦਾਂ ਅਤਾ ਫਰਮਾ,
अल्लाह साढ़े दीन दुनिया अंदर खैर व बरकत नाजल फरमा। ए मेरे मौला पाकिस्तान ते अहले पाकिस्तान ते रहम फरमा। शाह दुनिया आखरत दियाँ कामयाबियाँ भलाइयाँ नसीब फरमा। ए मेरे अल्लाह इस्लाम नू अजमत रफ्ता नसीब फरमा। तेरे बंदिया हजारों लखां दी तादाद अंदर तेरे रस्ते अंदर जानवर कुर्बान कीते ने अपनी रहमत नाल कबूल फरमा। अल्लाह कबूल फरमा के निजात दा जरिया बना। रब्बे गफिर वरहम वअंता खैरुर राहिमीन। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्कि मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन।